नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा YouTube चैनल साउंड टेक पे, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डीजे और साउंड सिस्टम से रिलेटेड बातें। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है डीजे और साउंड सिस्टम से रिलेटेड बातें तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, तो दोस्तों आज का टॉपिक है चिप एंड बेस स्मॉल साउंड सिस्टम। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो साउंड सिस्टम है जिसमें एम्पलीफायर और बॉक्सेस की मैं बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए एम्पलीफायर जो है कि MR की तरफ से है, जो कि निर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है, जो इंडियन कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो MR का लोगो यहाँ पर देख सकते हैं, साथ में इसका मॉडल नंबर है MRMA1250DP एन लिखा हुआ है, अ प्रोडक्ट ऑफ निर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, जो कि मेड इन इंडिया है दोस्तों, जो कि 125 वाट का एम्पलीफायर है। दोस्तों ये MR का एम्पलीफायर है जो कि 125 वाट में आउटपुट देता है मैक्सिमम, और यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 माइक इनपुट कर सकते हैं, जिसमें से हर एक माइक के लिए अपना अपना दिया गया, अपना अपना वॉल्यूम बटन दिया गया है, जो कि 1 माइक 1, माइक 2 एंड माइक 3, और यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया है जो कि माइक 4 में, जो कि माइक 4 अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये वाले बटन जो आप देख रहे होंगे इसको ये माइक 4 में सेट करना है। अगर आप अगर माइक 4 नहीं यूज करना चाहते हैं, अगर आप ये वाला पोर्शन यानी कि USB पोर्शन यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑक्स और USB वाले साइड में कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बास के लिए दिया गया है वॉल्यूम बटन, और ट्रिबल के लिए भी दिया गया है वॉल्यूम बटन, साथ में यहाँ पर एक मास्टर बटन दिया गया है जिसकी वजह से हम लोग मास्टर वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बढ़िया सा एक ऑप्शन दिया गया है जो कि USB ऑन करने के लिए या तो USB ऑफ करने के लिए। कहने का मतलब है अगर ये वाले पोर्शन यानी कि आप USB पोर्शन जिसको बोलते हैं USB पोर्शन, जहाँ पर आप पेन ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, ऑक्सिलरी का ऑप्शन मिलता है और माइक्रो SD का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपका थोड़ा बटन वगैरह भी मिलता है जहाँ से हम सॉन्ग्स को प्रीव्यू और बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, आगे वाले पीछे वाले, या तो आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाले ऑप्शंस को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच दिया गया है, अगर हम ये स्विच को दबाते हैं तो हम ये वाले ऑप्शंस ऑन करते हैं, अगर हम इस वाले स्विच को ऑफ करते हैं तो ये वाले सिस्टम भी ऑफ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि पावर बटन दिया गया है जहाँ से हम लोग एम्पलीफायर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑन किया ये, जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर नील बत्ती जलेगा, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वजह से हम लोग ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका फ्रंट लुक, और चलिए देखते हैं इसका बैक लुक। तो दोस्तों ये है इसका बैक लुक जहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्ट DC बैटरी के लिए कनेक्शन दिया गया है, जो कि ये प्लस वाले है और ये माइनस वाले है। अगर आप बैटरी से चलाना चाहते हैं तो ये एम्पलीफायर बैटरी से भी चलता है। पावर के लिए यहाँ पर पावर कट दिया गया है, जो कि हम AC से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो पावर के लिए पावर कट दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर 4-5 को ट्रांजिस्टर दिया गया है जिसकी वजह से हमारा एम्पलीफायर थोड़ा ठंडा कूलिंग मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर FM एंटीना के लिए दिया गया है, जो आगे वाले USB सेक्शन में अगर आप FM चलाना चाहते हैं, FM मोड में करते हैं तो यहाँ पे एंटीना के थ्रू FM भी आपको सुनाई देगा। साथ में यहाँ पर फ्यूज़ दिया गया है, अगर आपका एम्पलीफायर ओवरलोड होता है तो फ्यूज़ उड़ता है दोस्तों, तो फ्यूज़ वगैरह जलता है, तो इससे आप फ्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं जिसका ये है फ्यूज़। तो दोस्तों उसी तरीके से देखते हैं, ये जो फ्यूज है जिसको हम यहाँ पर दिया गया है जो कि यूनिट डाइवर के लिए है। दोस्तों यहाँ पर आप ब्लैक वाले तार जो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में रेड वाले तार यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यूनिट भी चला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिखा गया है MR का ब्रांडिंग, साथ में लिखा गया है जैसे फ्रंट में लिखा गया था, प्रोडक्ट ऑफ निर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, और साथ में यहाँ पर अर्थिंग के लिए भी दिया गया है जो ऑप्शन, जहाँ से हम लोग अर्थिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों मेन बात जो यहाँ पर है, एम्पलीफायर प्री आउट जो है यहाँ पर, जैसे कि ये एम्पलीफायर को दूसरा एम्पलीफायर में या तो दूसरा एम्पलीफायर इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक ऑक्सिलरी सिस्टम लगा के आप इस एम्पलीफायर से आउटपुट या तो यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं दोस्तों। साथ में यहाँ पर ऑक्स का बटन भी, ऑक्स का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि पतला वाले वायर में, साथ में यहाँ पर दिया गया है जो कि मेन पार्ट ऑफ द एम्पलीफायर है जहाँ पर आउटपुट निकाल सकते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कॉमन का ऑप्शन, 4 ओम्स
8 ओम्स और 16 ओम्स। दोस्तों आपके रिक्वायरमेंट हिसाब से यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ यहाँ पर, जो मेरे पास बॉक्सेस है, दो बॉक्सेस जो कि जिसमें स्पीकर लगा हुआ है 100 वाट का, तो इसमें 100 वाट और इसमें 100 वाट, यानी कि टोटल 200 वाट। लेकिन दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर आप ये जो MR का एम्पलीफायर है 125 वाट का है, लेकिन हम लोग आउटपुट दे रहे हैं 200 वाट। तो दोस्तों इतने में से ये एम्पलीफायर उतना गर्म नहीं होता है, चलता है काफ़ी। मैं करीबन एक दो साल से ये एम्पलीफायर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उतना बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा इस एम्पलीफायर के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बता रहा था कि कॉमन में आपको ब्लैक वाले तार जैसे मैंने लगाया वैसे लगाना है, और मेरे जैसे कि मैं यहाँ पर 8 ओम्स में चलाता हूँ, तो आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 ओम्स, 8 ओम्स या तो 16 ओम्स में चला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ये इसका इसका थोड़ा टेस्टिंग करके देखते हैं कि कैसा रहेगा इसका टेस्ट। दोस्तों इसका टेस्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल वाले आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। और अगर इस वीडियो का अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका टेस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पर एम्पलीफायर ऑन हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर और ऑक्सिलरी में कनेक्ट भी कर चुका है एक ऑक्स वायर, और मैं इस यूएसबी को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर यूएसबी में मैं सेट कर लेता हूँ, साथ ही में इसको ऑन करता हूँ, तो ये वाला ये यूएसबी वाले जितना भी फंक्शन है वो ऑन हो जाता है। देखिए जैसे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर ऑप्शंस में लाइन भी लिखा हुआ आ चुका है। अगर हम मोड को चेंज करते हैं तो पेन ड्राइव से भी बजा सकते हैं, जैसे कि एफएम यहाँ पर आ रहा है, तो एफएम ना बजाते हुए हम अगर पेन ड्राइव का करते हैं लाइन, यहाँ पर पेन ड्राइव मैंने ढुकाया नहीं है तो इसलिए यहाँ पर पेन ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पेन ड्राइव का भी ऑप्शन आ जाए। इसका टेस्टिंग वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये साउंड क्वालिटी साथ में एम्पलीफायर और दो बॉक्सेस का जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, साथ में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए।